इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। बुंदेलखंड का इतिहास आदि से अंत तक भले ही विविधताओं से भरा हो, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की भले ही यहाँ एक स्वस्थ परंपरा रही हो, लेकिन आर्थिक व बुनियादी तौर पर बुंदेलखंड की गिनती उत्तम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके के तौर पर ही होती रही है। इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि चंदेली शासन में यह क्षेत्र जुझौती यानी मुश्किलों से जूझने वाले इलाके के तौर पर ही जाना जाता था। जब पंचम सिंह बुंदेल के वंशजों ने पृथ्वीराज के खंगार सामंत को कुंडार में परास्त किया और इस प्रदेश पर अधिकार जमाया तो इस भूमि का नाम बुंदेलखंड पड़ा और तब से हम सब इसे बुंदेलखंड के रूप में जानते और पहचानते हैं। साल 2017 के बाद से योगी मोदी की डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड के विकास का जो बीड़ा उठाया है उसी के तहत 29 फरवरी 2020 को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था, रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार हो गया और 16 जुलाई 2022 को पीएम मोदी के हाथों ही इसका उद्घाटन भी हुआ। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 7 जिलों के 220 से ज्यादा गांवों की तकदीर बदल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक सड़क है, आधुनिक सड़क जिसे एक्सप्रेसवे का नाम दे दिया गया है, इससे गांव वासियों की तकदीर कैसे बदल जाएगी? तो आइए यह सब कैसे होगा इसे समझते हैं। झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर, इन 7 जिलों के 200 गांवों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गुजारा गया है। पहली बात तो यह है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक्सप्रेसवे से आच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मददगार होगा। एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना किए जाने की भी योजना है। यह एक्सप्रेसवे हैंडलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण गृह, मंडी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना के उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। बुंदेलखंड में मटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एक्सप्रेसवे के जरिए मटर की फसल को समय से दूसरे शहरों में पहुंचाया जा सकेगा। झांसी और चित्रकूट जैसी जगहों पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश के पानी के संचयन के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर पिट बनाए जा रहे हैं। आसपास के गांवों के स्वयं सहायता समूहों के मदद से औषधीय पौधे लगाए जाने की भी योजना है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की दूरी में आने वाले स्कूलों में 2-2 स्मार्ट क्लासेज भी बनाई गई है, ताकि बच्चे बदलते वक्त के साथ करमताल कर सकें। 296 किलोमीटर की लंबाई वाले इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 36 महीने का समय तय किया गया था, लेकिन यह रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है। अभी यह 4 लेन का है, जिसका भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। चित्रकूट जिला स्थित झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 पर भरतकूप के पास से शुरू होकर इटावा स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरेल के पास समाप्त होने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद
चित्रकूट से दिल्ली का सफर अब 6 से 7 घंटे का ही रह गया है। 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर है। पैदल चलने वाले राहगीरों और पशुओं के लिए जगह जगह अंडरपास बनाए गए हैं। 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी है। इसके किनारे किनारे 7 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। बहरहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए एक आस है, एक उम्मीद है, जहां न तो सड़कें थी, न पानी था, न ही बिजली थी। तमाम सियासतदानों ने यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेंकी, मगर वो रोटी किसानों और गरीबों के पेट में कभी नहीं पहुंची थी। अब जबकि एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है, डिफेंस कॉरिडोर और अन्य विकास माध्यमों से यहीं पर रोजगार का सृजन होगा, लिहाजा बुंदेलखंड के नौजवानों के पलायन की बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।